हमारे साथ ये भी समस्या है बहुत सारे बच्चे। आज मैं ये चैप्टर पूरा खत्म कर दूंगा और उसके साथ 100 सवाल कर डालूंगा। इतना बड़ा टारगेट सेट करते हैं, पहाड़ जितना टारगेट सेट कर लिया और नीचे से 2 सीढ़ी चढ़े नहीं, टट्टे निकलने चालू हो जाती है। मतलब इसको उस वैसे मत करना, मैं पंजाबी हूँ तो हमारे यहाँ क्या होता है, एक पैट डायलॉग है, ठीक है। सो पॉटी निकल गई, सो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड पसीना निकल गया, काम बहुत भारी था। सो यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि आप इतना बड़ा टारगेट अपने अपने ऊपर सेट मत करो, स्मॉल स्मॉल टारगेट्स बनाओ, स्मॉल स्मॉल, समझ में आता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ो, धीरे धीरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप सिर्फ ये सोचो कि ठीक है, आज बायोलॉजी में जितना पढ़ा मुझे सिर्फ उतना रिवाइज करना है और उससे रिलेटेड 5 सवाल कर लूंगा, बहुत है। आप अपने टारगेट धीरे धीरे बढ़ाओ, एकदम से मत बढ़ाओ। जब एकदम से बढ़ा देते हो वो टारगेट अचीव नहीं होते हैं तो आपको अंदर से क्या होते हैं, उदासीनता फील होने लगती है, मन लगना बंद हो जाता है कि मेरे टारगेट ही अचीव नहीं हो रहे, क्योंकि आपने अनरियलिस्टिक टारगेट बना के रखे हैं। तो डेली छोटे छोटे स्टेप से बढ़ो ना आगे, धीरे धीरे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टेप लो, आप अपने आप क्या करते जाओगे, ग्रो करते जाओगे। तो छोटे छोटे टारगेट सेट करो जिससे आपका मन लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि जब आप अचीव कर लोगे तो हाँ मैंने तो कर लिया, मैंने कल रात को सोचा था मैं बायो का ये चैप्टर करूंगा और उससे रिलेटेड 10 सवाल करूंगा, मैंने कर लिया, फिर हाँ मजा आ गया, अब मैं टारगेट सेट करूंगा। इन दैट केस पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाता है।